और बड़ी खबर, कर्नाटक में बंपर जीत के बाद कांग्रेस में बैठकों का दौर लगातार शुरू होता हुआ। शाम 5:30 बजे बेंगलुरु में विधायक दल की बैठक होने वाली है, जिसमें सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार मौजूद रहने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दिल्ली में आज सुबह मल्लिकार्जुन खड़गे की सोनिया गांधी, राहुल गांधी से मुलाकात का भी कार्यक्रम रहेगा। तो कर्नाटक में बड़ी जीत तो हासिल कर ली है कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, डीके शिव कुमार या सिद्धारमैया। ये दो नाम सबसे आगे हैं और ये फैसला कांग्रेस आला कमान को करना होगा कि कौन वो चेहरा होगा जिसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कर्नाटक में बड़ी जीत हासिल हो गई, रवि त्रिपाठी और जानकारी के साथ है रवि। शाम 5:30 बजे की मीटिंग से पहले दिल्ली में जो मीटिंग होनी है आज, उसके बारे में बताइए जरा। नहीं देखिए, दिल्ली की मीटिंग ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ की जो बैठक है वो दिखावे की बैठक है, क्योंकि विधायक दल की बैठक होनी होती है, ये कंपलसरी होती है कि विधायक दल की बैठक में ही कहीं ना कहीं नेता का चयन होता है। हालांकि कांग्रेस की जो परंपरा रही है, कांग्रेस के विधायक दल की बैठक होती है और फिर सब कुछ आला कमान पर और हाई कमान पर छोड़ दिया जाता है। इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे अभी फिलहाल यहीं हैं, निकलने वाले हैं, लगभग 10:30-11 के आसपास निकलेंगे, 1 बजे के आसपास दिल्ली पहुँचेंगे और वहाँ जाकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, मतलब गांधी परिवार जो हाई कमान है, एक्चुअल हाई कमान अभी भी गांधी परिवार ही है। कल खुद ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया कि हाई कमान ही तय करेगा कि क्या होना है। तो यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष होने के बावजूद गांधी परिवार ही ये फैसला करेगा कि यहाँ का मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए, डीके शिवकुमार कांग्रेस के नेता हैं, NSUI यूथ कांग्रेस, कांग्रेस और खास तौर पर संगठन का काम खड़ा करके उन्होंने पार्टी को जीत दिलाई है, लेकिन चेहरा मान के चलिए सिद्धारमैया है, एक ऐसा फेस है जिनके नाम पर वोट पड़ा है, 8-9% कुर्बा उनके साथ है, उनका जो 5 साल का काम काज था उसके आधार पर गरीब लोग उनको वोट देते हैं, इंदिरा कैंटीन का उनका मामला है, करप्शन से उनका नाता नहीं है, तो एक बड़ा फेस सिद्धारमैया है। तो करंट अगर बात कीजिए अभी 2024 की लड़ाई के हिसाब से अगर सोचना होगा तो सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाना होगा, और अगर कांग्रेस फ्यूचर लीडरशिप का प्लान करती है तो उस लिहाज से उनको अपनी पार्टी के नेता डीके शिवकुमार पर भरोसा जताना पड़ेगा, लेकिन मेरे हिसाब से सिद्धारमैया का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। एक और बात यहां पर यह है कि ऐसी स्थिति जो पहले मध्य प्रदेश में, जो राजस्थान में, जो छत्तीसगढ़ में आई, कहीं ऐसी स्थिति का सामना कांग्रेस को फिर तो नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से दोनों धड़े मजबूती से अपना पक्ष रख रहे हैं और जो पता चल रहा है अभी कि पूरे बेंगलोर शहर में, थोड़ी देर में आपको पोस्टर का दिखाऊंगा मैं, कि दोनों धड़े ये दावा कर रहे हैं कि हम सिद्धारमैया के गुट पोस्टर लगा रहा है कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, उनको बधाई, और डीके शिवकुमार का ग्रुप लगा रहा है कि डीके शिवकुमार होंगे मुख्यमंत्री, इसकी बधाई। तो ऐसी स्थिति में ये लड़ाई कोई आसान नहीं है, और दोनों में जो दिखाया गया है वो ऐसी अंडरस्टैंडिंग है भी नहीं, जो फोटो दिखाए गए, जो वीडियो डाले गए, मत एक राय बन पाती है या नहीं, आज सुबह होने वाली जो बैठक है सोनिया गांधी के साथ और साथ ही साथ खड़गे की राहुल गांधी के साथ जो मुलाकात रहने वाली है, वो काफी हद तक जो है यहाँ पर संकेत दे सकती है कि शाम का निष्कर्ष क्या होने जा रहा है। रवि त्रिपाठी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप की, देखिए, लेकिन मैं एक करेक्शन करना चाहूंगा कि सुबह बैठक नहीं है सोनिया गांधी के साथ, वो भी बैठक लगभग 3-4 बजे के आसपास होगी, क्योंकि यहाँ से खड़गे साहब निकल रहे हैं, 1 बजे के आसपास दिल्ली पहुँचेंगे और 2 बजे के बाद कभी भी ये बैठक हो सकती है सोनिया गांधी से, तो शाम में ये बैठक होगी और लगभग उसी के आसपास होगी जब विधायक दल की बैठक चल रही होगी, तो कहीं ना कहीं एक कंसल्टेशन होगा, फ़ोन पर बातचीत होगी, रणदीप सुरजेवाला जो प्रभारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं, जो संगठन महासचिव हैं KC वेणुगोपाल वो यहाँ मौजूद हैं, और गांधी परिवार खड़गे साहब जाकर वहाँ उनको ब्रीफ करेंगे सारा सिचुएशन, कि यहाँ का एक्चुअल ग्राउंड क्या है, वो ग्राउंड रिपोर्ट देंगे कि क्या स्थिति है, क्या पार्टी में कोई टूट हो सकती है, क्या अगर किसी और को CM बनाया तो सिद्धारमैया भाग सकते हैं, पार्टी छोड़ सकते हैं, क्या डीके शिवकुमार नाराज हो सकते हैं क्या, तो ये सारी रिपोर्ट देने के बाद, चूंकि कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी, रवि इन मैराथन बैठकों पर नजर लगातार रहेगी।